अरे बहुत अच्छा लग रहा है, पहली पहली बार निकला है इस बगीचा में शोभा यात्रा राम जी के। क्या बाबू कैसा लग रहा है? बहुत मस्त। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जी का परचम लहरा के आए भगवान आए, हर दुश्मन की लंका लगा के आए भगवान आए। श्री राम जी का परचम लहरा के आए है भगवान आरे, अरे रावण की लंका जला के। Hey guys, welcome back to my channel, The Unknown Artist. I hope you guys are fit, fine and healthy and must be doing something great in your lives. तो यार ग्रेट से याद आया कि आज हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा दिन है भाई। तो विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट मी टेल यू कि सबसे पहले आप सभी लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और भाई जय श्री राम। तो यार पीछे में आप लोग वीडियो देख समझ गए होंगे भाई कि आज मतलब रामनवमी के रैली में हम लोग निकले हुए हैं। तो पास में मेरे गाँव में बिशनपुरा वहीं का रैली है, तो जुलूस में निकले हुए हैं भाई। तो एंजॉय करते हैं, बाकी जो भाई भागे शेयर करूंगा। तो पीछे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब कुलदेवी का मंदिर है, वहीं हम लोग स्टे कर रहे हैं भाई। और बाकी बातें बाद में करते हैं। दर्शि के ये अंश पवन वेग के वंश अष्ट सिद्धि दाता उड़े प्राकाम्य सिद्धि संग सार समुद्र ये लांगे महाबले रुद्रंश सिंह का कवच करके पहुँच लंका बजरंग सीता माता चरण कमल स्पर्श करिए दिव्य ललन पहुँचाए संदेश आएंगे श्री राम लखन जल्दी बात करे फल दे खुश हुई कुल देवी सीता जगत जन दे अरे बोल बजरंग बली की जय अरे बोल बजरंग बली की जय भाई कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। भगवान श्री राम के जुलूस निकला हो विष्णुपुरा से सभी भक्तों के मैं युवक संघ जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, पहली पहली बार निकला है इस बगीचा में शोभा यात्रा राम जी के, बहुत मजा आ रहा है। बली की जय अरे बोल बजरंग बली की जय श्री राम जी का परचम लहरा के आए है भगवान आरे। भाई ये जो आप रैली देख रहे हो ये बिशनपुरा से होते हुए बेटा चौक पे गई थी, उसके बाद वहाँ पे स्टे करके वहाँ दर्शन करके अभी अभी हम लोग जा रहे राम जानकी मंदिर में। भाई ये रैली का मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट एक्सपीरियंस भाई साहब अल्टीमेट लेवल वाला है। इससे पहले मैं मतलब ऐसे रैली में कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ था, बट लगा भाई मुझे पहले जाना चाहिए था भाई। एक्साइटमेंट लेवल पीछे देख सकते हो यार, गजब लेवल का है। अभी हम लोग पैदल मतलब पैदल यात्रा पे जा रहे हैं यहाँ से, और सामने में डीजे वाली ट्रॉली है, हर जगह से भाई ये झंडे हैं भगवे कलर के। परचम लहरा के आए है भगवान आरे, अरे रावण की लंका जला के आए है भगवान आरे। करे अनुबंध अशोक वाटिका विध्वंस सारे राक्षसों का मर्दन हा करे मेरे बलवंत अक्षय कुमार अंत करे महाबली हनुमंत वानर वीर गाथा सुन राक्षस राज भय बंद आया मेघनाद कर्ण बजरंग बलि वशीत चलाया जो ब्रह्मास्त्र पंचमुखी हुए अधीन ब्रह्मा जी का सम्मान करे हुए ये अस्त्र बंदित रावण की महासभा में हनुमंत उपस्थित क्रोधित अपमान से रावण कर्म कांड से चेतावनी लंकेश को दे दी शब्द बाण से। बहुत बढ़िया है, सालों साल से चले आ रहा है और इस बार भी है, बहुत अच्छे से है, जुलूस निकला हुआ है और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। जय श्री राम जय श्री राम। भाई भीड़ में देखो क्या खतरनाक वाले भीड़ है इस साइड में। अभी अपन लोग राम जानकी मंदिर पहुंच गए, बहुत तो अच्छा लग रहा है। अपना सनातन धर्म का ये सब पर्व हुआ, राम जी और बजरंग बली का अच्छा और क्या जय श्री राम जय श्री राम बजरंग बली की जय। अनमोल
वचन दान से लगा दी अग्नि पूछ में हनुमान के। अब तांडव हो आये शुरू रावण का टूटा गुरु रुद्र रूप धारण हनुमंत बने युद्ध गुरु अग्नि देव भी प्रसन्न हनुमंत संग चलो जला दी अलंका सारी सोने की चिड़िया गुरु। अरे बोल बजरंग बली की जय। अरे बोल बजरंग बली की जय। क्या बाबू कैसा यहाँ बहुत अच्छा लग रहा, भीड़ के समय बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत से बहुत आबादी बिशनपुरा के जमे हुए हैं। क्या भैया कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। जय श्री राम। हो गया भाई, तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। भाई कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, वो है जय श्री राम के नारे। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि भाई इतना अल्टीमेट वाला फीलिंग आएगा भाई। मतलब हर जगह सिर्फ जय श्री राम जय श्री राम। अपन लोग रैली में जा रहे हैं और भाई भीड़ हजारों की संख्या में है और साइड से जो पब्लिक है वो भाई देख रही है, रिकॉर्ड कर रही है। भाई गजब वाला फीलिंग आ रहा है। अगर मैं व्लॉगिंग नहीं कर रहा था शायद मैं इस रैली में नहीं आता, मुझे पता नहीं था। ना रे साला भाई देखो क्या क्या बोल रहा है भाई। जहाँ से अपन लोगों ने व्लॉग शुरू किया था वहीं फिर पहुंच गए। कहने का मतलब बिशनपुरा गांव से हमने स्टार्ट किया था, वहीं गांव के मठिया पे आ गए भाई। बहुत मस्त अरेंजमेंट किया हुआ है प्रसाद का। तो यार इससे पहले हम लोग व्लॉग एंड करें, आप सभी लोग को हैप्पी रामनवमी। आप लोगों ने देखा ही भाई कितने अल्टीमेट पे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था और बहुत दूर हम लोग गए थे पैदल यात्रा करके, शायद 7 से 8 किलोमीटर। बहुत जोर की भूख लगी है भाई। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल दी अननोन आर्टिस्ट। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर।